हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू इजी लर्न। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एनोनिम्स के बारे में। एनोनिम्स यानी छोटे छोटे वर्ड हैं जिसे पढ़ने में आप बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, वो आपको हम सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम आपसे ये चीज़ बोलना चाहते हैं कि जो आप भी किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो मुझे मैसेज करके लिख कर भेज दीजिए, ताकि हम आपका हेल्प कर सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पर देखेंगे एंटोनिम्स इन इंग्लिश, यानी देखिए यहाँ पर हमारा हो गया फास्ट। फास्ट मीन्स आपका होता है तेज, तो इसका एनोनिम्स बनेगा स्लो। स्लो मीन्स होता है धीमा। नेक्स्ट देखेंगे फ्यू। फ्यू मीन्स होता है कुछ, और मैनी। मैनी मीन्स होता है बहुत। फ्यू मैंने कुछ और मैनी मीन्स बहुत, ठीक इसका अपोजिट होगा, यानी एनोनिम्स मीन्स होता है उसका अपोजिट। नेक्स्ट देखेंगे फॉरगेट। फॉरगेट मीन्स होता है भूल जाना, इसका एनोनिम्स बनेगा रिमेम्बर, यानी कि याद करना। फॉरगेट मीन्स भूल जाना, रिमेम्बर मीन्स याद करना। फुलिस। फुलिस मीन्स होता है मूर्ख। वाइस मीन्स बुद्धिमान। फुलिस मीन्स मूर्ख, वाइस मीन्स बुद्धिमान। नेक्स्ट देखेंगे गिव मीन्स देना, टेक मीन्स लेना। गिव मीन्स देना और टेक मीन्स लेना। नेक्स्ट देखेंगे ग्रेट। ग्रेट मीन्स होता है बड़ा या महान, और स्मॉल मीन्स छोटा। ग्रेट मीन्स बड़ा और स्मॉल मीन्स छोटा। इसी तरह नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स हैप्पी। हैप्पी मीन्स आपका होता है प्रसन्न, यानी कि उसका अपोजिट में बनेगा आपका अनहैप्पी, यानी अप्रसन्न। हैप्पी मीन्स प्रसन्न और अनहैप्पी मीन्स अप्रसन्न। इसी तरह नेक्स्ट देखेंगे हाई। हाई मीन्स आपका होता है, यहाँ पर देखेंगे हाई मीन्स ऊंचा, यानी कि लो मीन्स नीचा। हाई मीन्स ऊंचा और लो मीन्स नीचा। नेक्स्ट देखेंगे हार्ड। हार्ड मीन्स आपका होता है कठोर, इसका कठोर का आप कह देंगे सॉफ्ट, यानी कोई चीज़ कठोर है इसको हम बोल देंगे सॉफ्ट, तो इसका एनोनिम्स बन जाएगा, यानी हार्ड मीन्स कठोर तो सॉफ्ट मीन्स मुलायम। नेक्स्ट देखेंगे हॉट। हॉट मीन्स गर्म, यानी कि कोल्ड मीन्स ठंडा। हॉट मीन्स गर्म, कोल्ड मीन्स ठंडा। नेक्स्ट देखेंगे ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार, ईमानदार, और इसका एनोनिम्स बनाएंगे डिसऑनेस्ट, यानी कि बेईमान। इसका ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार और डिसऑनेस्ट मीन्स बेईमान। नेक्स्ट देखेंगे हियर। हियर मीन्स होता है आपका यहाँ, यहाँ का हो जाएगा देयर, यानी कि वहाँ। हियर मीन्स यहाँ और देयर मीन्स वहाँ। नेक्स्ट देखेंगे इन। इन मीन्स आपका होता है अंदर, तो आउट मीन्स बाहर। इन मीन्स अंदर, आउट मीन्स बाहर। नेक्स्ट देखेंगे काइंड। काइंड मीन्स आपका होता है दयालु, यानी कि क्रूअल। क्रूअल मीन्स होता है निर्दयी। काइंड मीन्स दयालु और क्रूअल मीन्स निर्दयी। नेक्स्ट हमारा है लार्ज। लार्ज मीन्स आपका होता है बड़ा और स्मॉल मीन्स छोटा। लार्ज मीन्स बड़ा, स्मॉल मीन्स छोटा। नेक्स्ट देखें हमारा वर्ड है लॉन्ग। लॉन्ग मीन्स होता है लंबा और शॉर्ट मीन्स छोटा। यल ओ एन जी लॉन्ग मीन्स लंबा, तो शॉर्ट मीन्स छोटा। लाइक मीन्स पसंद करना, और इसका एनोनिम्स बनेगा डिसलाइक, यानी कि लाइक मीन्स प्रसन्न करना और डिसलाइक मीन्स ना पसंद करना, यानी कि डिसलाइक। नेक्स्ट देखेंगे लर्न। लर्न मीन्स आपका होता है याद करना, और याद करना उसका एनोनिम्स बनेगा फॉरगेट, यानी कि भूल जाना। लर्न मीन्स याद करना, फॉरगेट मीन्स भूल जाना। नेक्स्ट देखेंगे लव। लव मीन्स प्यार करना, और हेट मीन्स घृणा करना। हेट मीन्स घृणा करना। लव मीन्स प्यार करना और हेट मीन्स घृणा करना। नेक्स्ट देखेंगे मास्टर। MASTER मास्टर मीन्स स्वामी, यानी कि सर्वेंट। सर्वेंट मीन्स नौकर। मास्टर मीन्स स्वामी, सर्वेंट मीन्स नौकर। सो फ्रेंड्स, ये हमारा एंड तक वीडियो था।
आई होप आज का वीडियो आपको बहुत यूजफुल लगा होगा फ्रेंड्स। अगर आप इस वीडियो से कुछ छोटे छोटे नए वर्ड सीखे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और फ्रेंड्स, अगर हमारा ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।